हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़े थे और चैप्टर 6 क्या है, किससे रिलेटेड है और कैसे उससे हम डील करेंगे वो हमने बात पढ़ी थी अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 की मैंने बनाई थी। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। जो भी हमने बेसिक पढ़े सारे इसमें अप्लाई होंगे और देखते हैं कैसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 24x इज लेस देन 100। तो हमें सॉल्व करना है, हमें इनइक्वालिटी दी है। इनइक्वालिटी कैसे पता चली? क्योंकि हमारे क्या है, लेस देन का साइन है। मैंने आपको बताया थे चार टाइप की इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। और फिर हमारे दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है, एक न्यूमेरिकल और एक कैसी होती है, लिटरल। तो न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन होगा सिर्फ, और लिटरल में क्या होते हैं, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। तो ये कल वाली वीडियो का क्या है जो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन है इनइक्वालिटी है 24x इज लेस देन 100। तो कैसी इनइक्वालिटी अगर मैं पूछूं तो यह है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए रूल्स बताए थे मैंने बहुत सारे। तो मैंने क्या कहा था, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका यहाँ जाके इसका प्लेस क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें इसकी वैल्यू प्लेस क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, मीन्स 100/24। तभी हमारी क्या आ पाएगी, हमारी एक्स की वैल्यू आ पाएगी। आप ऐसे सोचिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं अपने जो हम आज तक करते हैं, जैसे एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं 6x, तो x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2y करते हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसे हम अपनी कैलकुलेशन करते आ रहे थे वैसे ही हमें अपनी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू फाइन करनी है। ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो x इज क्या आ गया, लेस देन 100/24। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 24 4 96 24 4 96.4। ठीक है, अगर हम 100/24 करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 24 4 क्या आता है, 96 आता है, ये 4 आएगा, पॉइंट ये आ जाएगा 24 1 तो 4.1। तो x क्या आ रहा है, 4.1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। मीन जो भी हमारी वैल्यू होंगी x की क्या होंगी, 4.1 से छोटी होंगी। तो अब हमें इसमें कंडीशन दी कि x क्या है, फर्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो बताइए क्या क्या आपका सेट बन जाएगा, बताइए क्या क्या बन जाएगा। जो x है नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है, 4.1। मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4.1 नहीं लेंगे। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 4 से क्या होगी, छोटी होगी। तो नेचुरल नंबर बताइए क्या होते हैं, 1 2, हमारे जो इन्फिनिटी होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस वाले सेट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। समझ गए आप? तो हमने क्या बना दिया, x इज नेचुरल नंबर दिया है क्योंकि हमें, तो हमें पता है जो x की वैल्यू है 4.1 से छोटी है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारा जो सेट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हमारा, सेकंड है x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट होते हैं। तो अगर x इज एन इंटीजर कह रहा है, x इज एन इंटीजर, तो इसके लिए क्या वैल्यू होंगी बताइए x की। हमें बताया जो x है क्या है, 4.1 से छोटा है। तो लास्ट में तो आपका 4 तक ही जाएगी वैल्यू, क्योंकि 4.1 से तो छोटा है। तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और यहाँ तो हमारा कितने तक भी जा सकता है, मीन्स हमारी माइनस इन्फाइनेट तक वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं है। क्योंकि 4.1 से छोटा है और x का इंटीजर है, तो हमारी वैल्यू किस भी हो सकती है, -2। इसको हम लिख देते हैं डॉट 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 माइनस इन्फाइनेट। तो आप समझ गए कैसे हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, x पहले हमने x की वैल्यू निकाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, जो हमने कल रूल पढ़े थे कल वाली वीडियो में। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, x इज लेस देन 100/24, x इज लेस देन 4.1 आ गया। तो फर्स्ट हमारा जो कंडीशन दिया है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या क्या x की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 इन्फाइनाइट तक होते हैं, 1 2 इन्फाइनाइट तक होते हैं। तो हमें पता चल गया कि x की याली कंडीशन से x क्या है, 4.1 से छोटा है। तो याली वाले सेट में जो x इज नेचुरल नंबर वाले सेट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। फिर हमारा x इज इंटीजर है, हमें पता है कि x की वैल्यू 4.1 से छोटी, मीन्स जो हमारी वैल्यू जाएगी x की वो तो 4 तक जाएगी यहाँ पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हमारी कितनी भी आ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर क्या होता है, हमारे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं पता है हमें। तो प्लस इन्फिनिटी टू तो जाएगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो 4 तक जाएगा प्लस वाले में और माइनस इन्फिनिटी चल जाएगा किस में, माइनस वाले में। तो समझ गए आप कैसे करना है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है हमें, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, तो अगर x की वैल्यू अगर हम ऐसे करेंगे तो माइनस का 30 अपॉन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो माइनस का 30 अपॉन 12 अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा बताइए, अगर हम निकालना चाहें, रुकिए हम इसको ऐसे करते हैं, तो देखिए हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने 12 को क्या ले जाना है, यहाँ ले जाना है 12 को, तो क्या आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा x माइनस का x इज ग्रेटर देन 30 अपॉन 12 आ जाएगा, माइनस का x इज ग्रेटर देन 12 2 जा 24.6 12 बन जाए, तो 2.5 आ गया। तो मैंने कहा था तो माइनस x की वैल्यू है, तो हमने रूल नंबर 3 या 4 पढ़ा था कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x इज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 2.5 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस का 2.5 आ गया। चलो ये तो ठीक हो गया, x इज ग्रेटर देन माइनस का 2.5, ठीक है, x इज ग्रेटर देन माइनस का, x इज लेस देन माइनस का 2.5 आ गया। क्यों आए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम माइनस से इनइक्वालिटी की दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाता है। तो पहले हमारा ग्रेटर देन था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा माइनस x प्लस x बना, और ये प्लस का 2.5 माइनस का 2.5 बना, तभी हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। चलिए अब तो हमारी x की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या देखना है कि क्या क्या हमारी इसकी वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो फर्स्ट क्या है इसमें भी, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, तो बताइए इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट हमारा। तो x क्या है, माइनस 2.5 से क्या है, छोटा है। x क्या है, माइनस 2.5 से क्या है, छोटा है। x माइनस 2.5 से छोटा है मीन्स, 2.5 से छोटा मीन्स आप बता सकते हैं, हमें पता है माइनस में जो वैल्यू होती है वो छोटे में बड़ी रहती है, मतलब जैसे माइनस 2 है वो क्या होगा, माइनस 1 से छोटा होगा। तो माइनस 2.5 से छोटा मतलब हमें आगे को बढ़ते रहना है, और पता नहीं कहाँ तक है, पता नहीं हमें कहाँ तक है, तो हम क्या लिख देंगे बताइए, अगर हम माइनस का 2.5 आ गया तो आपको पता है ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है, क्योंकि मैं बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 क्या, 1 2 इन्फिनिटी होते हैं, पॉजिटिव में आते हैं सारे नेचुरल नंबर। तो ये तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे दिस इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्यों लिखा बताइए हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो प्लस में रहते हैं, 1 2 इन्फिनिटी क्या रहते हैं हमारे, क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर रहते हैं। बट हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी है क्या दी है, एक्स क्या है माइनस 2.5 से क्या है, एक्स क्या है माइनस 2.5 से क्या दिया है, छोटा दिया है। तो हम यहाँ से ही हमें अंदाज़ा लग गया कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में नहीं आ सकती है, वो हमारे नेचुरल नंबर के लिए कभी भी, कोई भी इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए ये वाली जो इनइक्वालिटी है कभी भी ट्रू प्रूफ नहीं होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस 2.5 से छोटी आ गई। तो चलिए तो सीख गया। अब सेकंड क्या है हमारा, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एन इंटीजर, इंटीजर के लिए तो ये प्रूफ होगा, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं हमारे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं। तो हमें पता है जो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है लेस देन माइनस 2.5 है, तो बताइए इस सेट में क्या क्या आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 आएगा नहीं आएगा, माइनस 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, और माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2.5 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सेट में हमारा माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस का 3। तो समझ गया आप, इंटीजर के लिए तो वाली जो इनइक्वालिटी है प्रूफ होगी, बट नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, यहाँ से फिर से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 हो जाएगा। मैंने कहा था इसकी वैल्यू, इसका अगर हम प्लेस चेंज करते तो जैसे हम कैलकुलेशन में करते हैं मैथ्स की, वैसे ही हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x इज लेस देन 10, तो x ही आ गया, x इज लेस देन 2। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कोई भी माइनस से हमारा कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तभी हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही है, तो इसमें हमारा कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा और वैसे रहेगा। तो एक्स इज क्या आ गया, एक्स आ गया लेस देन 2 आ गया। तो x इज एन इंटीजर और x इज एन रियल नंबर के लिए हमें प्रूफ, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्या है, x इज एन
इंटीजर। चलिए ऑक्सीजन इंटीजर के लिए हमें क्या करना है देखना है। तो ऑक्सीजन इंटीजर, इंटीजर हमें पता क्या है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है टू से क्या है छोटी है, टू से छोटी मीन्स वन हो सकती है क्योंकि वन भी इंटीजर होता है, जीरो हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, माइनस टू हो सकती है, और ये तो हमारा माइनस इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो इसका इसका सेट तो हमारे पास बन गया कि ऑक्सीजन इंटीजर के लिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस इनफिनिटी टू वन तक हो जाएगी। अब आता है हमारा ऑक्सीजन रियल नंबर, रियल नंबर के लिए क्या होगा बताइए, सेकंड क्या है ऑक्सीजन रियल नंबर, ऑक्सीजन रियल नंबर के लिए भी क्या होगा हमारा यही हमारा प्रूफ होगा। तो हमारा जो सेट बन जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी कोमा टू बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझा देता हूँ। इंटरवल, इंटरवल क्या कहते हैं हम, इंटरवल कहते हैं जैसे हमारी जो वैल्यू है, जैसे एक्स इज लेस देन टू कह रहे हैं तो हम इंटरवल मीन्स एक आपका ओपन इंटरवल होता है, एक क्या होता है ओपन और एक होता है आपका क्लोज। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर है और ये इंटरवल क्या होता है, इंटरवल कहते हैं हम जैसे इसके बीच में, मतलब जैसे हमने कहा एक्स इज लेस देन टू तो टू की वैल्यू किस किस के बीच में होगी वो क्या हो जाता है इंटरवल हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना मूवी, मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी के बीचों बीच में क्या होता है इंटरवल होता है। तो हम देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है कि किस किस के बीच में आपका क्या है हमारी वैल्यू इसमें, मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स x की वैल्यू कहाँ पे हमारी होगी, हमारी इनइक्वालिटी जो भी आ रही है कि कहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी इस पर लाई करेगी और क्या हमारी वैल्यू हो सकती है, वही हमारे इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल को हम कहते हैं, ये ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहाँ यूज होंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा एक्स इज लेस देन टू, एक्स की वैल्यू क्या है टू से छोटी है और कोई भी रियल नंबर है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन तो नहीं है, सिर्फ क्या है लेस देन है, तो हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। तो माइनस इनफिनिटी कोमा टू, इसका मीनिंग होता है कि जो भी एक्स की वैल्यू है, जो भी एक्स की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और टू के क्या है बीच में है, बट टू और माइनस इन्फिनिटी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने समझे, मैं कह रहा हूँ कि जो भी ओपन इंटरवल की क्या बात आएगी, ओपन इंटरवल तब यूज होगा जब भी हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो क्या होगा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होगा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मतलब या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, समझ गए। जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, अगर हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन या ग्रेटर देन है सिर्फ, तो हमारा जो भी इंटरवल यूज होगा वो कौन सा होगा ओपन इंटरवल यूज होगा। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या समझे आप, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी और इन दोनों ये जो दो वैल्यू है इनको सेटिस्फाई नहीं करेगी, मीन माइनस इन्फिनिटी भी नहीं और टू भी नहीं, समझ गए आप। तो ओपन इंटरवल कब यूज करेंगे, जब हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होगी। तो एक्स इज लेस देन टू है मीन्स टू तो मतलब एक्स टू के इक्वल तो नहीं है, तो हमने कौन सा इंटरवल लगाना है ओपन इंटरवल, मीन्स हमने ये टू लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस का इन्फिनिटी। और क्लोज इंटरवल जैसे मैंने कहा एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया इक्वल भी आ गया, तो हम क्या लिख देंगे एक्स इज माइनस इन्फिनिटी और ये क्या आ जाएगा टू, बट टू के भी इक्वल है, टू के इक्वल है ना एक्स, तो एक्स टू के इक्वल है मीन्स टू भी हमारी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, जो एक्स की वैल्यू टू होगी वो भी क्या होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो आप समझ गए, जब भी हमारा जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होगी तो हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, और कभी भी अगर हमारा लिटरल इनइक्वालिटी होगी तो हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। और हमारा चार टाइप के इंटरवल भी हो सकते हैं, जैसे चार टाइप के क्यों कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा दोनों बार हमारा क्या आ सकता है ओपन भी आ सकता है, दोनों जगह क्लोज भी आ सकता है, एक ओपन एक क्लोज आ सकता है, एक क्लोज और एक ओपन आ सकता है। तो ये चार टाइप के इंटरवल आपके बन सकते हैं और ये हम क्वेश्चंस के हिसाब से अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने कहा ये वाले क्वेश्चन में एक्स इज क्या आ रहा है, क्या आ रहा था बताइए, एक्स इज लेस देन टू आ रहा था, एक्स इज लेस देन टू, तो आपको बताया ये वाली कौन सी इनइक्वालिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। तो मैंने कहा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में ऐसा कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, मीन जो एक्स की वैल्यू टू से छोटी है और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो माइनस इन्फिनिटी कोमा टू, और ये इक्वल भी नहीं है एक्स से टू के, तो हमारी जो ओपन इंटरवल होगा वो क्या होगा ओपन इंटरवल होगा। समझ गए आप लोग, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, आप एक दो बार वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, तो वही करेंगे हम, 3x इज क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2 - 8 आ जाएगा, तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 में माइनस का 6, और x इज ग्रेटर देन -6/3 करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -2,
हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन माइनस का 2, समझ गए। यहाँ पे हमारे इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ना मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया। हमने अगर यहाँ किया भी है तो किससे डिवाइड किया बताइए, 3 से डिवाइड किया है, और 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना कि नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, हमारी वैल्यू तो आ गई x इज ग्रेटर देन माइनस 2। हमें किस किस में चेक करना है हम देख लेते हैं एक बार। x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए तो आप बता सकते हैं आप, फर्स्ट क्या है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं। और हमारी x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 से क्या है, बड़ी है, माइनस 2 से बड़ी है। मीन्स जो ये होगा ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, ये 0, ये 1, और बताइए कहाँ तक आ जाएगा ये, अब हमें यहाँ तक पता नहीं है, तो डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, समझ गए आप। तो ये वाला सेट क्या बन गया हमारा x का, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, x इज एन इंटीजर वाली कंडीशन के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 टू इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, समझ गए आप कैसे आए। क्योंकि x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 से क्या है, बड़ी है, बड़ी है मीन माइनस 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और डॉट 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 क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। अगर हम रियल नंबर की बात करें, अब x इज रियल नंबर के लिए हमें देखना है, तो याली कंडीशन में क्या होगा, x इज रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको पता है माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे बताइए, हम इंटरवल यूज करेंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी कौन सी, न्यूमेरिकल है, तो ये आ जाएगा ओके। और माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है कि माइनस 2 का इक्वल नहीं है, और हमें पता भी है याले x की वैल्यू से कि माइनस 2 के इक्वल नहीं है बट माइनस 2 से बड़ा है, तो ओपन इंटरवल का मतलब ही होता है कि ये इसके इक्वल नहीं है बट इन दोनों के बीच में है, तो माइनस 2 कोमा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 टू 16 क्या निकालना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी जो अभी तक हम करते आए हैं। तो 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7 आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। x वालों को एक साथ लिखेंगे तो 4x, और ये वाली साइड ही आएगा, तो इसका क्या आएगा, इसका अगर हम चेंज करेंगे प्लेस, तो हमारा जो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ जाके नेगेटिव आएगा, तो 4x माइनस 5x साइन वही रहेगा, और 7 माइनस 3। आपको याद रखना है साइन कब चेंज करेंगे आप, जब भी हमारा नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, या दोनों साइड नेगेटिव साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे। सिर्फ 3 कंडीशन है जब आप अपना इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे, और कोई भी कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरह एग्जाम्पल से समझाया है। तो हम यहाँ ले गए, तो हमने 4x माइनस 5x इज लेस देन 7 माइनस 3 किया, ये क्या आ जाएगा, माइनस का x इज लेस देन 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस x की वैल्यू आई, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, ओके। नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज, अब देखिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने में मैंने आपको बताया क्या हो जाता है, जो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, 4 इंटू को माइनस करेंगे तो माइनस का 4, तो हमारी जो वैल्यू आ गई x इज ग्रेटर देन माइनस का 4। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जो सॉल्यूशन का सेट आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 से क्या है, बड़ा है, तो माइनस 4 से बड़ा है मीन्स इक्वल नहीं, तो ओपन हम इंटरवल लगाएंगे, माइनस 4 कॉमा इन्फिनिटी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी तक क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि x की वैल्यू माइनस 4 से कितनी बड़ी है, और हम उसकी वैल्यू कहाँ तक रख सकते हैं, तो माइनस 4 हमारा पहली वैल्यू हो जाएगी, और हमें ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि हमारे x क्या है, माइनस 4 और इन्फिनिटी के बीच में है, ना कि इन दोनों के इक्वल है, इसलिए हमने माइनस 4 को इन्फिनिटी को कौन से सेट में रखा है, ओपन इंटरवल के सेट में रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, तो सॉल्व करते हैं हम सीधे, 3x माइनस का 5x हो जाएगा, और ये वाला साइन इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन रहेगा, माइनस का 1, और ये वाला माइनस साइन यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो 3x माइनस 5x क्या आ गया, माइनस का 2 है, और ये हमारा ग्रेटर देन ही रहेगा, और माइनस 1 प्लस 7 क्या आ जाएगा, प्लस का 6। अब देखिए हमारा क्या है, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तभी हमारा चेंज होता है, तो अगर हम यहाँ माइनस 2 से डिवाइड कर दें मल्टीप्लाइंग, तभी हमारा x मिलेगा, मल्टीप्लाइंग नहीं सॉरी डिवाइड बाय माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स
माइनस टू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती, तभी हमने माइनस टू से क्या किया, डिवाइड किया। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन तो ये लेस देन हो जाएगा और सिक्स अपॉन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन माइनस का थ्री। तो लेस देन माइनस का थ्री आ गई तो हम बता सकते हैं इसका जो सेट हो जाएगा, याले सेट में क्या आंसर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू लेस देन क्या है, माइनस का थ्री। माइनस का थ्री से लेस देन है मीन्स क्या आ जाएगा बताइए आंसर, ओपन इंटरवल लगाएंगे, माइनस थ्री से छोटा मीन्स यहाँ माइनस थ्री आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहीं पर मैं कहता कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री है, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री तो बताइए क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री कॉमा इन्फिनाइट। तो आप समझ गए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों का कंपेयर करके दिखा दिया। अगर एक्स इज लेस देन माइनस थ्री मीन्स माइनस थ्री से छोटा है, आपको पता है माइनस में हमारे जो माइनस थ्री है माइनस टू से क्या होता है, छोटा होता है, मीन जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो माइनस थ्री माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री हो जाएगा याले सेट में, और याली कंडीशन में हमारा जो सेट बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री को माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप समझ गए अच्छे से। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए एक मैं याली क्वेश्चन ढूंढ रहा था और ये आ ही चुका है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है। इसमें क्या आ गया, हमारा लेस देन इक्वल आ गया। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, अभी तक हमने सिर्फ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाले गए थे, लिटरल इनइक्वालिटी वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप आगे को एक जैसे क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3x माइनस 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6 आ जाएगा। फिर हम अगर इसको प्लेस चेंज करें इनका, तो 3x माइनस 2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 आ जाएगा। 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल माइनस 6 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 3। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन इक्वल माइनस का 3। तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3 मीन जो हमारा सेट हो जाएगा क्या आ जाएगा, x क्या है माइनस 3 से क्या है, छोटा है। x क्या है माइनस थ्री से छोटा है, तो आपको पता है कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा याला। तो बट जो हमारा x की वैल्यू है इस बार क्या है, माइनस थ्री भी क्या आ रहा है, ये x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है माइनस थ्री भी। तो माइनस थ्री तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बट अब ओपन इंटरवल ना लगा के क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल लगा देंगे। समझ गया आप, क्यों लगाया क्लोज इंटरवल, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है इस बार सिर्फ माइनस थ्री से छोटे ही नहीं है, बल्कि एक्स क्या है माइनस थ्री के इक्वल भी है। देखिए इक्वल का साइन भी है, मतलब लिटरल वाली इनइक्वालिटी है। तो मैंने कहा था लिटरल इनइक्वालिटी में हमारा क्लोज इंटरवल यूज होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री से छोटी तो है बट माइनस थ्री के इक्वल भी है। तो माइनस छोटी के लिए हमने माइनस इन्फिनिटी तक तो हमने पहुंचा दिया एक्स की वैल्यू, और कॉमा माइनस थ्री लगा के हमने क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो अगर हम इस वाली कंडीशन को मैथ्स की भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल का यूज करते हुए। तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक होगी और वो उसके इक्वल नहीं होगी, उसके बीच में होगी, और माइनस थ्री के क्या होगी, इक्वल होगी, और माइनस थ्री इन्फिनिटी के माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो आप समझ गए अच्छे से, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिर हम वीडियो एंड करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 3 टू जै 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2x। तो वही हम करते हैं, x वालों को एक साथ लाते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा और यहाँ के प्लस का 2x हो जाएगा, और ये ग्रेटर इक्वल ही रहेगा 2 माइनस का 6। यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का एक्स और ये ग्रेटर हो माइनस का 4। ओके यहाँ पे अब क्या करेंगे बताइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग बाई माइनस का 4 नहीं माइनस का 1 मल्टीप्लाइंग बाई माइनस का 1 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बताइए, ये तो x आ जाएगा और मैंने कहा था माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन क्या है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर इक्वल है मीन यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल, और ये क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x इज लेस देन इक्वल 4 आ गई। तो बताइए क्या आ जाएगी, हमारा जो सेट आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, x इज लेस देन इक्वल 4 है, तो 4 से लेस देन है मीन्स ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ओके जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल और कॉमा 4 है, और 4 से छोटा ही है, छोटा ही नहीं बल्कि क्या है, इसको इक्वल भी है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये वाले सेट में जो हमारी एक्स वैल्यू जाएगी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4 हो जाएगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब। और एक और छोटा सा बेसिक है, मैं कल आपको समझा दूंगा जब ऐसी वैल्यू को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, वो भी इसमें आएगा आपका। और फिर हम ऐसे सारे क्वेश्चन हैं आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, हमने 8 तक तो कर लिए हैं, 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने आप भी, और मैं तो आपको कराऊंगा ही अच्छे से। तो चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप प्लीज़ जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसको शेयर करते रहें, ताकि हमारा जो SSC वाला कैंपेन है वो क्या हो, सक्सेसफुल हो, और सरकार को इसमें जो ने कब से चुप्पी बात रखी है वो इसमें कोई ना कोई फैसला ले। और तब तक के लिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।